15 दिन में एक बार उसे धूप में बाहर निकाल के रखो, जिससे कि जो पौधे को जो क्लाइमेट मिलता है वो धूप से मिलता है। वो तो यहाँ से सर से बात है, नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं हापुड़ ज़िले की लोकप्रिय नर्सरी पर, जहां पर सर गार्डनिंग और प्लांटेशन का काम कर रहे हैं और साथ में ही सीमेंटेड गमलों का भी काम कर रहे हैं। तो एक बार सर से जानकारी लेते हैं, वो सीमेंटेड गमले कैसे बना रहे हैं और साथ में ही गार्डनिंग में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आइए हम सर से बात करते हैं। एक बार सर, जो सामने से भाई लोग देख रहे हैं, एक बार इन्हें छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम तुफैल खान है, मैं लोकप्रिय नर्सरी चलाता हूँ। हमारी नर्सरी गरलोड मंडी हापुड़ में है। तो सर, आप हमें ये बताइए कि जो आप ये सीमेंटेड गमले बना रहे हैं, आप कितने समय से ये कार्य कर रहे हैं? ये हमारा लगभग काम सर करीब करीब 22 साल से लेकर है। 22 साल से आप सीमेंटेड गमलों का काम कर रहे हैं? और सर, ये गार्डनिंग का काम कितने समय से आप कर रहे हैं? गार्डनिंग का काम बल्कि करीब 25 साल से लेकर, हमारा बचपन से लेकर ये स्टार्टिंग का काम है ये। अच्छा, देते हैं हम लोग। ठीक है सर, आप एक बार हमें ना अपने सीमेंटेड गमले के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या उनके प्राइजेज हैं और क्या आप रेट पर सेल कर रहे हो? होलसेल भी कर रहे हो, केवल रिटेल कर रहे हो? नहीं, हमारा काम वैसे करीब 22 साल से लेकर पुराना है, होल सेल का काम भी है और होम डिलीवरी भी करते हैं और बाकी रिटेल में भी बेचते हैं हम लोग गमला, सबसे कम सस्ते और कम प्राइस पर बेचते हैं। सर, अगर कोई अपने हिसाब से अपने गमले बनवाना चाहे, कोई भाई आपको ऑर्डर पे बनवाना चाहे, तो सर आप उसे कस्टमाइज गमले बनवा देंगे या फिर उसके लिए कुछ और आप यूज़ करते हो, क्या करते हो? नहीं, कम से कम कंपलसरी 100 गमले कम से कम होना चाहिए और 100 गमलों से कम पे नीचे बनाना नहीं जाएंगे, और 100 से ऊपर से कितनी रेंज के गमले हों तो कारीगर बनाने जा सकता है घर पे भी। तो सर, आप एक बार हमें गमलों का साइजेस और प्राइजेज आप एक बार हमें डिस्कस कर दीजिए। आइए सर, एक बार हमें बता दीजिए आप, जैसे कि हम आ गए हैं गमलों के पास, सर एक बार हमें ये साइज़ बताइए, क्या साइज़ का ये गमला है और क्या इसका प्राइजेज है? भाई, लगभग हमारे पास में ये 24 इंची वाला गमला है, ये हम रिटेल में 300 रुपये में और होल सेल में इसकी हमारी कीमत 250 रुपये है। ठीक है सर, अगर इसे कोई होलसेल में मतलब आपसे बल्क में अगर ऑर्डर मंगाता तो 250 रुपये का पर पीस पड़ेगा सर? जी जी जी, 24 इंची वाला गमला 250 रुपये के हिसाब से है जी, कम से कम। ठीक है सर, और इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह भी है इसमें? बारह इंची में करते हैं, इसमें एक चौकोर गमली शेप में आता है, चौकोर वाले में है, एक आता है गोल शेप में इसमें गमला। ठीक है सर, और इसका सर डिज़ाइनर भी है कोई अभी आपके पास अवेलेबल डिज़ाइन में या फिर? अपने पास में ये दो ही डिज़ाइन के हैं, एक इसमें ये गोल शेप में है, एक चौकोर में है, दोनों डिज़ाइन है इसके अंदर। ठीक है सर, और आप दूसरा गमला आप बता रहे थे और साइज़ कौन सा है सर? हाँ बताइए सर। एक 16 इंची वाला गमला आता है ये हमारे पास में होल सेल में इसकी कीमत 120 फुटकर में 120 है, लेकिन होल सेल में 100 रुपये कीमत है इसकी हमारी। अगर कोई आपसे इसे होल सेल मंगाता है तो ये कितने रुपये का पड़ेगा सर? ये 100 रुपये का। 100 रुपये का पड़ेगा सर। कितनी क्वान्टिटी कम से कम आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी सर इसके लिए? कम से कम लगभग 50 गमले। ठीक है सर, अगर कोई भाई अपने घर पे इसे बनवाना चाहता है आपसे 1000 क्वान्टिटी या 500 क्वान्टिटी, तो आप उसके लिए क्या बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। ठीक है सर, तो सेम प्राइजेज में ये पड़ेगा वही? जी हाँ, लगभग और 10-5 रुपये कम पड़ती है अकाउंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग के हिसाब से अभी आदमी थोड़ा मटेरियल हल्का लगा। ठीक है सर, इसमें और कौन सा साइज़ अवेलेबल है सर आपके पास? अलग अलग लुक है इसके अंदर, 3 डिज़ाइन आते हैं इसके अंदर। कौन कौन से डिज़ाइन है सर? एक तो वो शेप में आता है, प्लेन वाला आता है 16 इंची में। ठीक है सर, और उसके बाद में एक ये 16 इंची डिज़ाइनदार है, इसको लहरदार बोलते हैं। ठीक है सर, और एक ये प्लेन वाला गोल शेप में, इसको पाए वाला स्टैंड वाला गमला कहते हैं। ठीक है सर, अगर सर आपसे कोई इन गमलों पे पेंटेड करवा के चाहे कि भाई मुझे ये गमले प्लेन नहीं रखने, इस पर हल्का सा कलर का पेंट होता है, सर वो आप करा देते हैं पेंटेड? जी हाँ, प्लेन पेंट करवा देते हैं, पर वो उसकी कॉस्ट अलग से आप ऐड कर देते? जो उसकी एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होती है, वाटर प्रूफ पेंट एपेक्स का या नैरोला का कोई सा भी कर सकते हो आप। ठीक, उससे गमले की लाइफ भी ज़्यादा होती है और उसको बेनिफिट मिलता है कि पानी उसके अंदर नमी कम रहती है, पौधा सही तरीके से चलता है। ठीक है सर, अब सर हमें ये बताइए, जो ये वाला आप गमला यूज़ कर रहे हैं, ये किस क्या पर्पस है सर इस गमले का? जैसे लंबी शेप में है तो इसका लंबी ट्रे होती है, इसे साग सब्जी वगैरह उगाने में भी काम आ सकती है, और उसके साथ साथ एक चीज़ का फायदा है, 2-3 पौधे आप इसमें एक साथ लगा सकते हो, मतलब 2-3 पौधे एक साथ हो सकते हैं इसमें? जी जी जी। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी भी भाई को लेना हो तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, आप एक साथ 2-3 पौधे भी उगा सकते हैं, साथ में सब्जी भी। सब्जी में सर कौन कौन सी सब्जी हो सकती है इसमें? सब्जी इसके अंदर टमाटर है, बैंगन है, हरी मिर्च है, पालक, मेथी वगैरह कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, मूली वगैरह तक लगा सकते हो। ये तो बहुत अच्छा है, अगर कोई ऑर्गेनिक अपनी सब्जी करना चाहता है, गार्डनिंग करना चाहता है, तो आप भाई यहाँ से ले जा सकता है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, प्राइजेज भी बहुत है इसके। सर प्राइजेज और एक बार बता दीजिए कितने का प्राइस? सर ये करीब हमारी 2-2.5 फीट ही है, 2.5 फीट की इसकी रेंज वो लंबाई है और करीब 10 इंची चौड़ी होती है,
इसकी कीमत हमारी 250 रुपये है। अच्छा सर, एक बार सर और किसी गमले के बारे में बात कर ले, क्या साइज़ है इसका और ये कितने का पड़ेगा? 12 इंची कहते हैं हम लोग उस वाले गमले को। ठीक है सर, क्या ये फुटेयर उसकी रिटेल में बिक्री 60 रुपये है लेकिन होलसेल में इसकी कीमत केवल 50 रुपये है। अच्छा सर, अगर इससे इसमें तो मुझे लग रहा है सर काफ़ी डिज़ाइन आपके पास इस इसके अंदर करीब कम से कम 3-4 डिज़ाइन के गम शेप में अलग अलग गमले में डिज़ाइन है सर इसमें। इसमें एक ये खरबूजे कटिंग शेप बोलते हैं, एक लहर वाला बोलते हैं, एक इसके अंदर पाए वाला स्टैंड वाला होता है ये। ठीक है सर, उसके अंदर भी 3 डिज़ाइन मिलेंगे, उसकी कीमत हमारे पास में 70 रुपये है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। होलसेल में 60 रुपये है। होलसेल 60 रुपये, अगर आपसे कोई होलसेल में लेता है तो सर आप ऑर्डर कहीं पे भी पहुंचा देंगे? हाँ, पहुंचा देते हैं, उसका किराया एक्स्ट्रा होता है बस खाली। ठीक है सर। सर एक बार प्लांट्स के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आपके यहाँ पे प्लांट्स भी बहुत अच्छे हैं, कोई भाई अगर प्लांट्स लेना चाहता है, साथ में गमले भी हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे आप गार्डनिंग के लिए सामान ले सकते हैं। तो एक बार सर से प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं। सर आपके पास फ्रूट्स में कौन कौन सी वैरायटी है? फ्रूट्स में सर अपने पास में संतरा, सेब, चीकू, लीची, अनार, मौसमी वगैरह, टोटल जितने भी A to Z सब फल है सब अपने पास अवेलेबल मिलेंगे, और हाइब्रिड वाले भी हैं वो भी सब मिलेंगे अपने पास जो गमले वाले आते हैं। सर ये ऑर्गेनिक में ही हैं या फिर सर जैसे आप हमने देखा है छोटी सी अगर बाल्टी में भी लगाएं तो वो फ्रूट्स देना शुरू कर देता है, तो सर ये ऑर्गेनिक में है? हाँ सब ये ऑर्गेनिक में है। ये सर ये बहुत अच्छी बात है सर, एक बार ये आप हमें और ये बता दीजिए और कौन कौन सी आप वैरायटी यूज़ कर रहे हैं सर जो लोग अपने गार्डनिंग कर सकते हैं, जिससे कौन सा इस टाइम के हिसाब से? असल में ये है कि आप फूल वाले भी पौधा इस्तेमाल कर सकते हो और डेकोरेशन के जो पौधे आते हैं वो भी चलेंगे उसके अंदर। सर एक बार फूल में आप बता देंगे कौन कौन से हैं? पास में जैसे गुलाब वगैरह, रात की रानी, चमेली, चांदनी, चंपा वगैरह, A to Z जितने भी फ्लावर्स वाले आते हैं वो सब मिलेंगे अपने पास। चलो बहुत बढ़िया सर। सर ये वाला जो प्लांट है ये वाला क्या साइज़ है सर? और ये रॉयल पाम भी कहते हैं और हम वैसे असल में नाम इसका बोतल पाम है। बोतल पाम है सर। ये क्या क्या प्राइस इसका पड़ता है सर? इसकी होल सेल में इसकी कीमत स्टार्टिंग होती है करीब 4 फुट से लेकर, 4 फुट की स्टार्टिंग करीब 70 रुपये है, 4-5 फुट का पौधा 70 रुपये का मिलेगा। ठीक है। और बाकी जैसे 8-10 या 12 फीट तक का पौधा आपको 200 रुपये, 250, 300, एक रेंज अलग स्टेप बाय स्टेप इसकी। ठीक है सर। अगर और सर अगर बात करें हम यहाँ पे सबसे मिनिमम प्लांट की, सबसे सस्ता कौन सा पेड़ है, प्लांट है या फिर कोई ऐसा है कि फ्लावर्स वगैरह के लिए जो सबसे सस्ता है आपके पास, वो क्या प्राइस इसका है? समय सस्ता तो अपने पास में जो सीजनल आती है जैसे गेंदा वगैरह है और डेंथस है और कैलेंडोरा वगैरह है, ये 3-4 वैरायटी आती हैं सब अलग अलग फूलों की, ये करीब 20-15 रुपये की स्टार्टिंग होती है। मतलब 15 रुपये से भी यहाँ पे ले जा सकते हैं मात्र 15 रुपये में? जी जी, 15 रुपये से कम पौधे की हमारे पास में पौधा है। बहुत बढ़िया है सर। सर और ये जो सर जैसे गमले में मैं देख रहा हूँ सर, ये प्लांट है ये वाला, सर इसका क्या नाम है सर? इसका फर्केरिया कहते हैं, ये डेकोरेशन का पौधा होता है, 12 महीने एवरग्रीन प्लांट, ये इंडोर और आउटडोर दोनों जगह चलने वाला पौधा है। ठीक है सर। सर ये गमले के साथ ही प्राइस इसका क्या है सर? गमले के साथ लगभग इसी कीमत कुल 150 रुपये है और गमला हटा करके केवल 120 रुपये का पौधा, इतना बड़ा है। और बहुत ही अच्छे प्राइजेज है यहाँ पे भाई, कोई भी अगर लेना चाहता है तो भाई इससे सस्ता कहीं भी नहीं मिलेगा हापुड़ जिले में। और एक बार और बात कर लेते हैं छोटे प्लांट्स के बारे में सर, जैसे ये शायद एलोवेरा का प्लांट है सर? ये एलोवेरा, एलोवेरा कीमत हमारे पास में केवल 20 रुपये है। सर देखो एलोवेरा आपको केवल मात्र 20 रुपये में मिल जाएगा सर, यहाँ से आप ले जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्राइजेज में है और यहाँ पे पूरा बहुत ही अच्छा है, ग्रीनरी के हिसाब से बहुत पुरानी नर्सरी है, 30 साल से करीब ये काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, आप आइए यहाँ से ले जा सकते हैं। एक बार और आगे हम सर से बात कर लेते हैं, थोड़े से प्लांट्स आगे हमें दिख रहे हैं, इसका प्लांट है सर जीमिया पाम कहते हैं। ठीक है सर। ये सर ये तो काफ़ी बड़ा, हाँ काफ़ी बड़ा है और डेकोरेशन का पौधा होता है, एवरग्रीन प्लांट है, इसकी लंबी लाइफ होती है। ठीक है सर। अगर ये जैसे देखें कि इसका जो नीचे है गमला, ये भी काफ़ी बड़ा गमला है, तो इसका क्या प्राइस है सर विद गमला? लगभग गमले से भी तो आपकी कीमत 1500 रुपये है इसकी और छोटा पौधा करीब 150-200 रुपये तक की रेंज का आता है इसका छोटा पौधा। तो सर आप जो बोन साइज वगैरह होते हैं वो भी रखते हैं क्या सर? बोन साइज भी रखते हैं, उसको बनाते भी हैं। उनका सर क्या प्राइस वगैरह है? बोन साइज की स्टार्टिंग करीब 150 रुपये से शुरुआत होती है। देखो मात्र बहुत ही अच्छे रीजनेबल रेट हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो अगर सर आप कुछ सामने से बोलना चाहते हैं, किसी को गार्डनिंग की टिप देना चाहते हैं कि भाई आप ऐसे अपने प्लांट्स को ऐसे रखो या ऐसे गार्डनिंग करो, तो आप सामने से टिप दे सकते हैं भाइयों को? ये सबसे असल में पहली बात ये होती है कि आदमी हमें पौधा लगाना है तो सबसे पहले हमें मौसम के हिसाब से पौधा लगाना पड़ेगा। ठीक है सर। अगर हमारा मौसम गर्मी का है तो हमें डेली उसमें पानी देना पड़ता है। ठीक है सर। और छत वगैरह के ऊपर पौधे आपके रखे हुए हैं तो उसमें सुबह शाम पानी देना पड़ता है, उसकी तपिश पड़ती है पौधे पर गर्मी की। ठीक है सर। और बाकी कच्चे में रखे हुए हैं तो आपको नॉर्मल नेचुरल एक बार पानी देना पड़ेगा बस। ठीक है सर। सबसे अच्छा हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको गुड़ाई करनी पड़ेगी और छाए में कोई पौधा डेकोरेशन का रखा उसे हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी दो, 15 दिन में एक बार उसे धूप में बाहर निकाल के रखो, जिससे कि जो पौधे को जो क्लाइमेट मिलता है वो धूप से मिलता है वो। तो यहाँ से सर से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है सर से। तो आप ऐसे ही अपने प्लांट्स को सही से रख सकते हैं, अगर आपको कुछ भी फिर भी कोई जानकारी है हम सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप सर से ऑर्डर भी कर सकते हैं, अपने गमले से रिलेटेड प्लांट्स मंगा सकते हैं।
तो बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है, शुक्रिया।